में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुआ प्रेस वार्ता का आयोजन। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने मंगलवार को मथुरा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें राजपाल कश्यप ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व की अखिलेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। वहीं बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि बीजेपी सरकार में पिछड़ा वर्गों का हक छीना जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को बीजेपी सरकार के द्वारा सताया जा रहा है, उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आगरा मंडल के कई जनपदों में हमारे द्वारा देखा गया है कि पिछड़ा वर्ग के लोग बीजेपी सरकार से परेशान हैं, जो आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। और झूठे आरोप लगा के इन्होंने बीजेपी ने माननीय अखिलेश यादव जी पे झूठे आरोप लगा के और गुमराह करके और झूठे वादे करके अपनी सरकार बनाई। अब ये झूठ का किला रहेगा, माननीय अखिलेश यादव जी का साइकिल चलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार। योगी ने 350 सीटों कह दी है, आपने पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। योगी जी के चेहरे पे अगर 2017 में भी चुनाव हुआ होता तो सरकार नहीं आती, ये सरकार आई। तो बीजेपी सरकार के झूठ का पर्दाफाश जनता करेगी 2022। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, लोग बेरोजगार हो गए, लोग कितने फैक्ट्रियों से निकाले गए, कितने लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, कितने को एक शिक्षा मिल रही, तो रेल की पटरी पे किस तरीके से कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, शिक्षकों ने, शिक्षा मित्रों ने, कितने लोगों ने, अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई जिसमें आरक्षण का घोटाला हुआ, महीनों से लोग धरने पर बैठे हैं, किसान वर्षों से धरने पर बैठे हैं, उनको भी अपमानित किया जा रहा। इस किसान अन्नदाता है, हमारा अन्नदाता को अपमानित किया और दलित उत्पीड़न। तो ये जो सरकार है आरक्षण खत्म करना चाहती, संविधान खत्म करना चाहती, और पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक और सभी वर्ग के लोग लाभवंद हो रहे हैं, किसान नौजवान, और इस सरकार को हटाने के लिए। अब ये सरकार हटेगी 2022 में और अब घोषित इमरजेंसी है, कोई बोलने की आज़ादी नहीं है, कोई अगर बोलेगा सच्चाई बोलेगा उसके ऊपर मुकदमा जीत जाएगा, चाहे कोई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो पत्रकार साथी भी अगर कोई सच्चाई बोले तो उनके ऊपर भी नाना प्रकार के मुकदमे लिखे जा रहे हैं, नाना प्रकार से प्रताड़ना दी जा रही है। जो आप उद्योग घराने ही सब चीज़ों पे कब्जा करना चाहते हैं, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे खेती हो, चाहे व्यापार हो, चाहे फुटपाथ पे सब्जी बेचने का काम हो, सब एक ही आदमी करेगा, और सब मजदूर हो जाएंगे। और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को खत्म होने देगी, इसके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़ेगा। और इस देश की जनता ने बहुत संघर्षों के बाद में लोकतंत्र बहाल कराया है, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि 5 साल में इलेक्शन होता है, जो सरकार अच्छा काम नहीं करती उसको हटा देती है। अब ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, आपने देखा नहीं इन्होंने लोकतंत्र बना दिया था, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, जिला प्रमुख के चुनाव में इन्होंने लोकतंत्र को लूटतंत्र में बदला और बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा, नामांकन करने गए उनके पर्चे फाड़ दिए गए, साड़ियां खींच दी गई। तो ये नाना प्रकार से लोगों को परेशान करने का काम। तो योगी सरकार से जनता त्रस्त है, अब इसको हटाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी को लाएगी। देखिए अभी तक जितना भी पिछड़ों को किया समाजवादी पार्टी ने ही करने काम किया, पंचायतों में आरक्षण, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, बैकवर्डों का आरक्षण समाजवादी पार्टी, आपके मंडल कमीशन की सिफारिश है जो 27% है, लोगों को रिजर्वेशन दाखिले में मिल रहा है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, वो समाजवादी पार्टी, और आपका 27% नौकरियों में भी आरक्षण समाजवादी की देन है, मंडल कमीशन की सिफारिश।
यही बीजेपी के लोग मंडल कमीशन का विरोध करते हैं। अब आगे क्या करेंगे? हम आगे करेंगे जाति जनगणना। हमारे नेता ने कहा है कि जाति जनगणना